इस वीडियो में मैं कंपेयर करने वाला हूँ CMF Phone 1 by Nothing को कंपेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में iPhone 12 से। मतलब आप लोगों को भी लग रहा होगा भाई ये क्या, तो मैं ऐसे ही अपने चैनल पे ऊट पटांग वीडियोज लाता रहता हूँ, मतलब कुछ हटके, इंडस्ट्री से हटके। मैं इसमें इसका स्पीड टेस्ट करूँगा, कैसे गेम ओपन करता है, कैसे ऐप्स ओपन करता है ये इन कंपेरिजन टू iPhone 12। इस वीडियो में आगे आप लोगों को इसी के बारे में पता लगने वाला है। iPhone 12 की अगर बात करूँ तो अब से 3 साल पहले पुराना फ़ोन है वो। ये है आज का फ़ोन जिसके करीब करीब 5-7 लाख बेंचमार्क है। तो हम इस वीडियो में ये भी देख लेंगे कि भाई आज का फ़ोन जो कि 15-16-17-18 हज़ार का आ रहा है, क्या ये 3 साल पुराने एप्पल के फ़ोन को टक्कर दे पाएगा। और आप लोगों को निष्कर्ष निकाल के इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। मैं निष्कर्ष नहीं निकालूंगा, आप लोग खुद ही निकाल दोगे इस वीडियो के एंड में कि कौन अच्छा है। तो ये एक छोटा सा ऐप है पूल, अब मैंने क्लिक किया, आपने देखा लगभग सेम हुआ है, बट आईफोन जो है वो अभी भी यहाँ पे इस तरफ जीत गया और खुला भी सबसे पहले। तो मान लो मैंने अगर गड़बड़ किया होगा थोड़ा बहुत मिली सेकेंड का, तो भी यहाँ पे जो है वो आईफोन ही जीता है। अगर आप सोचो तो काफ़ी अच्छे मार्जिन के साथ में यहाँ पर आईफोन जीता है 8-ball पूल को ओपन करने में, जो कि एक गेम है। आपने खुद देखा डिफरेंस, मतलब महसूस हुआ है इतना लेट खुला है ये वाला CMF फोन में आईफोन के कंपैरिजन में। अब मैं चेक कर लेता हूँ Asphalt 9 एक गेम है, काफ़ी ग्राफिक इंटेंसिव गेम है, तो क्लिक करने के ऊपर मत जाना, हो सकता है मिली सेकेंड्स का अंतर भी हो। देखो आईफोन का जो लोडिंग टाइम है वो जल्दी हुआ है, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि अब मेन स्क्रीन कौन लाता है सबसे पहले ये देखना होगा। तो मेन स्क्रीन के लिए थोड़ा सा वेट, और मेन स्क्रीन देखा आपने कि आईफोन लाया है, बट जो एक स्क्रीन मेन स्क्रीन से पहले जो ओपन हुआ है वो मेरे ख्याल से CMF में हो जाता है। हम दोबारा एक बार देख लेते हैं कि आखिर एग्जैक्टली में आखिर क्या लफड़ा है, थोड़ा सा ऐसा नहीं है ना कि मिस हो जाए। तो मैंने ऐप क्लियर कर दिया और दोबारा रखा, क्लिक करने के ऊपर मत जाना, वो तो मिली सेकंड्स का अंतर होता है, बट एक डिफरेंस दिख जाता है वैसे भी ओपन होने पे। तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना पड़ रहा है, और ये जो है स्क्रीन पहले खुली और ये मेट हुआ, आपने देखा यहाँ पर ये जीता है, मतलब कांटे की टक्कर है। अगर आप बात करो Asphalt 9 को ओपन करने में, जो कि एक ग्राफिक इंटेंसिव गेम है, तो यहाँ पर एक बार में आईफोन जीता, एक बार में ये जीता। आप दोबारा क्लिक करते हैं, यह तो अब दोबारा हम देख लेते हैं। मतलब ये हमने 2-3 बार ट्राई कर लिया ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि भाई यहाँ इसको मैं जिता रहा हूँ उसको मैं जिता रहा हूँ, 2-3 बार में आपको क्लियर हो जाएगा। देखो अब इस बार जो है वो स्क्रीन एप्पल वाले का पहने आया है और इसका थोड़ा लेट आया है भैया, मतलब बहुत ज़्यादा वो है, क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है यहाँ पर। दोबारा हमने क्लिक कर दिया, और आप देख सकते हो मेन स्क्रीन कब आ रही है, तो मेन स्क्रीन यहाँ पर एप्पल की आई, मतलब कांटे की टक्कर है। हो सकता है एक दो बार में CMF भी खुल रहा है, एक दो बार में ये भी खुल रहा है, और CMF वाला जो है वो आ तो जाता है, बट ये वाली जो गाड़ी वाली स्क्रीन है ना वो थोड़ा लेट दिखती है। तो आई डोंट नो, बट यहाँ पर भी क्लियर विनर मेरे को दिख रहा है आईफोन 12 ज़्यादातर राउंड्स में। अब मैं यहाँ पर दूसरा गेम टेस्ट करने वाला हूँ जो कि पबजी है। तो पबजी में मैंने मेरे ख्याल से पहले क्लिक कर दिया था CMF वाले को, फिर भी हम देख लेते हैं कि इसका क्या परफॉर्मेंस रहता है और कौन ओपन करता है मेन स्क्रीन पहले। देखो पबजी खुल भी गया, और ये अभी तक लोड वगैरह पता नहीं क्या क्या इनके अलग जो है वो एंड्रॉयड के चोचले हैं वो अभी भी चालू हैं, और वो अब जाके ये ओपन हुआ है मेन स्क्रीन अगर देखी जाए तो। अब कोई नहीं, अब दोबारा खोल के देख लेते हैं, दोबारा कोशिश कर लेते हैं एक बार कि कौन कैसे क्या चल रहा है। मेरा अपने मैंने डाटा क्लियर कर दिया, बाकी कुछ तो रन कर नहीं रहा, इसका भी मैं डाटा क्लियर कर देता हूँ एकदम परफेक्टली और प्योर तरीके से। अब दोबारा हम ओपन करेंगे, क्लिक करने के ऊपर मत जाना, ये तो मिली सेकेंड्स का अंतर होता है, बट जो गेम खुलता है ना उसमें आपको क्लियर दिख जाता है क्या अंतर हो रहा है। अब ये हमारा आईफोन 12 है, लेफ्ट में आप देख सकते हो, राइट में CMF फोन 1 है, और यहाँ पर
लेट्स सी हु इज द विनर। तो देखो स्क्रीन आ गई और ये अभी तक जो है वो पता नहीं अपनी चीज़ें लोड कर रहा है। एंड्रॉयड का अलग ही सिस्टम है, मतलब थोड़ा लेट है ओवरऑल देखी जाए। वैसे भी खुलने में अगर हम चीज़ें लोड वगैरह ना भी करके देखें ना तो भी एंड्रॉयड जो है वो थोड़ा हार रहा है। यहाँ पे CMF फ़ोन है वो एप्पल के हिसाब से मुकाबले में हार रहा है। आप यहाँ पर देख लो क्लियरली। तो अब ये मत कह देना कि भाई 15,000 का कंपेयर कर रहा है, इट डजेंट मैटर भाई, 3 साल पुराना फ़ोन है ये भी। और एप्पल की ऑप्टिमाइजेशन इतनी होती है कि आप कहो मत, दोबारा कर लेते हैं। आप लोगों के दिक्कत के कारण, आप लोगों के कन्फ्यूज़न के कारण मैं इस हर ऐप को 2-3 बार करके दिखा रहा हूँ कि आपको ये ना लगे कि भाई नहीं इसके साथ ज़्यादती हुई है, इसके साथ जो है आपने गलत कर दिया, इसके साथ अच्छा कर दिया। तो वो चीज़ें आप लोगों को देखो अभी भी जो है ये लोड होने में लग ही रहा है। अब चलो ये तो हो गया हमारा गेम का, मान लेते हैं कि भाई देखो आप जाके ये खुला है। हम देखते हैं कुछ अदर ऐप्स जैसे YouTube वगैरह भी ये कैसे खोलता है, Google Chrome ब्राउज़र ये कैसे खोलता है, और जो भी थोड़े बहुत और बेस्ट पॉसिबल स्पीड टेस्ट कंपेरिजन है वो भी हम करके यहाँ पर देख लेंगे कि कौन जो है वो यहाँ पर अच्छा निकल के आता है और कौन बुरा, बुरा इन द सेंस कि कौन पीछे छुपता है एट द एंड ऑफ द डे। देखिए जो लोड हुआ है स्क्रीन, अब मैं इसको काट देता हूँ, इसको शायद मैंने सर्च किया हुआ था। तो हम रॉ स्क्रीन देखेंगे कि रॉ स्क्रीन पे जो है वो कौन सबसे ज़्यादा जल्दी ओपन करता है रॉ स्क्रीन ब्राउज करने में। देखो तो एप्पल वाला यहाँ पर भी क्लियर विनर है। हो सकता है मिली सेकेंड्स का अंतर हो मेरे को क्लिक करने में, बट यहाँ पर नोटिसिबल डिफरेंस आप देख सकते हो। देखो पहले मैं ये चाहूँगा कि ये क्लिक करता हूँ CMF का, तो CMF का क्लिक किया मैंने तब भी एप्पल वाला ही खुला। तो एप्पल का जो ऑप्टिमाइजेशन है ना ओवरऑल वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है भाई। देखो मैं क्लिक कोशिश करूँगा इसको क्लिक करूँ, मतलब नथिंग वाले को पहले क्लिक करूँ और फिर इसको क्लिक करता हूँ, तब भी आप देख रहे हो कि स्क्रीन जो है लोड इसकी बाद में हो रही है इन कंपेरिजन टू iPhone 12। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है भाई, मतलब आप सोचो कि अभी भी iPhone 12 इस ज़माने में भी 3 साल पहले, अगर आप 3 साल पुराना एंड्रॉयड फ़ोन लो तो भाई मतलब बहुत ज़्यादा ओल्ड हो जाता है। अब Gmail खोल कर देखते हैं, Gmail में मुझे टेक मी टू द Gmail करना पड़ेगा, अभी मैंने ये सेट नहीं किया, नया फ़ोन है। अब दोबारा हम इसको चेक करते हैं, दोबारा चेक करते हैं सवर। और यहाँ पर देखो Gmail ओपन, अभी भी Gmail जो है वो ये आ रहा है। आप देखो ये नोटिफिकेशन वगैरह अगर हटा भी देते हैं तो भी Gmail का जो है वो अब पहले ये खुल रहा है एप्पल iPhone 12 का। तो यहाँ पर मुझे तो क्लियरली लग रहा है, बाकी आप कमेंट बॉक्स में बता देना कि भाई आपको क्या लग रहा है एग्जैक्टली में कौन विनर है और कौन लूज़र है। कैमरा ऐप खोल लेते हैं, कैमरे ऐप में भी एप्पल ही लगा, भले ये फ्रंट वाला मैंने ओपन नहीं किया था बट कैमरे ऐप में भी एप्पल ही विनर है। यहाँ पर हम ऐप स्टोर खोल लेते हैं, अब एप्पल का ऐप स्टोर है और ये एंड्रॉयड का ऐप स्टोर है। तो यहाँ पर भाई देखो यहाँ पर तो एंड्रॉयड जीत रहा है क्लियरली, जो ऐप स्टोर लोड है करने में वहाँ पे इसका टाइम लग रहा है, मतलब एप्पल का थोड़ा सा टाइम लग रहा है, एप्पल थोड़ा सा पीछे यहाँ पे मेरे को इन कंपेरिजन टू CMF फ़ोन में दिख रहा है। तो यहाँ पर देखो 1, 2, 3 हुआ ही नहीं होगा। ये रहा, हाँ ये रहा ऐप स्टोर, ढूंढने में थोड़ा टाइम लग जाता है, कभी कभी आदमी कन्फ्यूज़ हो जाता है। अब मैं कुछ और ही ढूंढ लेता हूँ, सेटिंग ऐप में भी यही पहले जो है वो विनर दिखा रहा है मेरे को भाई एप्पल वाले। अभी भी देखो सेटिंग ऐप कर दिया मैंने और सेटिंग में 1, 2, 3 एप्पल पहले खुल रहा है, मतलब ओवरऑल जो UI एक्सपीरियंस है ना वो भी जल्दी और फास्ट है एप्पल आईफोन 12 का इन कंपेरिजन टू नथिंग CMF फोन 1। और थोड़ा सा अलग वीडियो बनाने की कोशिश करिए तो आप लोग मेरे को बताना कि भाई ये वीडियो कैसी लगी हो, कमेंट कर देना, नो हेट फॉर एनी फ़ोन, बट आप लोग कमेंट करके मेरे को ज़रूर बता देना कि आपको क्या पसंद आ रहा है और आपको क्या लग रहा है कि मतलब आज के ज़माने में भी नथिंग फ़ोन ने थोड़ा टक्कर दी, और 12 आईफोन 12 को नहीं टक्कर दे पा रहा है, तो क्या आपको लग रहा है एग्जैक्टली में कहाँ नथिंग फ़ोन लैग हुआ है, कहाँ पे इनको और ज़्यादा वर्क करना चाहिए था। हालांकि देखो एंड्रॉयड फ़ोन की अगर बात करूँ तो 1 साल बाद ही आप कंपेयर करोगे तो सारा का सारा परफॉर्मेंस ख़राब हो जाता है, बट फिर भी
तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो और आप लोगों को ये आइडिया लग गया होगा कि भाई आज भी एप्पल का ऑप्टिमाइजेशन, 3 साल पुराना अगर कोई एंड्रॉइड का फ़ोन उठा के देख लो, मेरे पास बहुत सारे फ़ोन हैं, वो आज भी ऐसे हक के चलते हैं, मतलब लैग हो के, लेकिन ये फ़ोन आज भी ऐसे न्यू फ्रेश फोन्स को टक्कर दे रहा है स्पीड में। और अभी भी आप देख सकते हो कि कोई कोई ऐप्स तो मैंने बाद में भी क्लिक किए, फिर भी वो जल्दी ओपन कर रहा है। और ऐसा कुछ नहीं है कैसे वगैरह, हर चीज़ मैंने ऐप क्लियर करके ही इनका कंपैरिजन किया था। हालांकि फिर भी क्या पता मेरे से कोई चीज़ मिस हो गई हो, तो आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना कि भाई क्या मैं किस जगह पर गलत था, किस जगह पर सही था, और एग्जैक्टली में विनर कौन है। क्या आप लोगों को ये कंपैरिजन अच्छा लगा, और आप लोगों को ऐसे ही थोड़े अलग हट के कंपैरिजन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नहीं करोगे तो बहुत सारी चीज़ें मिस करते रहोगे इस इंडस्ट्री में। यही नहीं, बहुत सारी काम की चीज़ें भी बताता रहता हूँ जिससे आपकी ज़िंदगी जुड़ी हुई है। और इस चैनल पे जैसे ही मेरे 30,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे, बहुत ही बेहतरीन गिव अवे लाने वाला हूँ, तो आप लोगों को एक और रीज़न दे देता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का। सब्सक्राइब करके मेरी फैमिली बन के जुड़िए, हम बहुत सारी नई नई चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं आगे आने वाली वीडियोज़ में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।